पापा मजे आएंगे। और आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पता है आपको, बरसाना में रोपवे कार चली है। रोप कार मतलब बोलते हैं इसको हिंदी में उड़न खटोला, जिसमें रस्सी से ऐसे, मतलब सबको पता है, खैर मैं क्या ही बताऊँ। तो आज पापा का प्लान बना है स्पेशली रोप कार में राइड करने का। वैसे तो हम स्टेयर्स पे चढ़ के जा सकते हैं, कार के थ्रू भी जा सकते हैं, बट पापा को पापा ये कह रहे थे कि मुझे आज अपना डर का सामना करना है, क्योंकि काफ़ी कभी कभी ऐसा मंदिरों में चांस पड़ा, जैसे हरिद्वार नैना देवी, पापा ने मेरे को एग्जांपल दिए थे काफ़ी सारे कि वहाँ पे मैं कभी गया नहीं हूँ, मेरे को इतना डर लगता है। और झूला झूलने में आपको पता हो तो मेला, जब झूल मेला में हम झूला झूल रहे थे तब पापा भी ट्राई कर रहे थे, जब पापा के सर में लग गई थी तो वहीं पे रुक गए पापा। तो आज पापा का पूरा मन है रोप कार में घूमने का, तो इसलिए आज हम बरसाना स्पेशली रोप कार में घूमने श्री राधा रानी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं, पापा, अनू, हम तीनों की टीम बनी है, हम तीनों जा रहे हैं। और अगर बाकी राइड काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई तो नेक्स्ट ब्लॉग भी आएगा, बिकॉज उस ब्लॉग में हमारी पूरी फैमिली होने वाली है, क्योंकि हम अभी फर्स्ट ट्राई करने जा रहे हैं। तो अभी तो हम निकलते हैं, और अभी दिन के बज रहे हैं, नहीं अभी 11:30 बज रहे हैं, दिन नहीं हो रही, दोपहर होने वाली है, ठीक है। और भाई इंस्टाग्राम पे भी बने रहिए और फॉलो करते रहिए मुझको, और मेरी वीडियोस अगर अच्छी हो तो शेयर ज़रूर कर दिया करिए, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। 1 लाइक 1 शेयर 1 सब्सक्राइब से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इतनी सारी वीडियोस, इतने सारे ब्लॉग्स, रील्स, अपडेट्स अब कंटिन्यूसली आती जा रही है। ऐसा नहीं है कि स्टॉप हुआ पड़ा है कि अब आ रही है तो अब नहीं आ रही है। हर 4-5 दिन में मेरा न्यू ब्लॉग आ रहा है, आपको देख ही रहा होगा, न्यू कंटेंट मिल रहा है मेरे को और मैं अपलोड कर रही हूँ उसको आप लोगों की वजह से। बस सपोर्ट करते रहिए, बाकी मेरा काम है अच्छे से ब्लॉग बनाना। बारिश आ रही है, मेरे को अभी पता चला। सही है, बरसाना की परिक्रमा कैंसर कट हो गया ऐसे। ये क्या हो रहा है, जीने से इतना ज्यादा पानी आ रहा है, ऊपर से मतलब इतनी बारिश हो रही है। अगर ये पानी नहीं रुकाना तो ये डायरेक्ट हमारे मंदिर में जाएगा, और आज का प्लान तो हो रहा है कैंसल। लग ऐसी रहा है आज मन नहीं है राधा रानी का, और राधा रानी का हमें बुलाने का। तो मेरा ब्लॉग यहीं एंड होता है, जब कभी जाएंगे तो इसी में मैं ऐड करने वाली, क्या पता आज ही चल जाए। आई विश। खाने में मैंने बनाया आलू गोभी, रोटी और रायता। जमीन है घर में, जुकाम हो रहा है, डॉक्टर ने मना करा है, और फिर भी मैं खा रही हूँ, क्योंकि आलू गोभी की सब्जी बनी है, मैं खा लेती हूँ, भूख भी लग रही है। और पापा का टिफिन पैक है, और पापा के पास जा नहीं सकता है खाना, क्योंकि इतनी बारिश की वजह से रोड बिल्कुल पानी पानी हो गया है, पानी पानी हो गया। गई मैं पापा को लंच देकर आई थी भाई, सब धूप इतनी कैड़ी आ रही है, मतलब तुम्हें भी लग रहा हो मैं मजाक कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती धूप कितनी कैडी आ रही है। और मैं यार, हमारा वाईफाई बंद हो गया, मेरे को तो बड़ी गुस्सा आ रही है, बिना सिंचन डोरेमोन देखे रोटी खाई मैंने, यहीं से दिख रहा होगा क्या, गेट खोल के दिखाऊं मैं तुमको, चलो तो फिर भी दिखा सकती हूँ, देखना धूप कितनी कैडी आ रही है। गाइस मैंने तो छोटी कर दी है, अच्छा लग रहा हूँ मैं तो। अभी मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर कुछ डिलीशियस, और ये बन रही है चाय, नहीं लगता हूँ मैं फेंकती हूँ, नहीं मैं चाय बनानी आती हूँ, नहीं तो मैं चाय बना रही हूँ। यार देख लो मेरे बाल कितने कम हो गए हैं, कैसे सही होंगे ये, पहले यही बाल इतने मोटे मोटे तो छोटियाँ बनती थी, आज यही वो बाल है जिससे ये दोनों को मिलाकर वही मेरी पुरानी जितनी एक छोटी नहीं बन रही है। क्या हो गया है, बालों को इतनी नज़र लग गई है, पूरी नज़र वाले तेरा मुँह काला पहचान जाऊंगी, जिस स्काई फेस मुझे काला लगेगा ना, मैं समझ जाऊंगी इसी ने मेरे बालों पे नजर लगाई, सीधी सी बात है। तो चलो कुकिंग करते हैं। दिस इज माय कुरकुरियन क्रंची क्रंची मक्खी,
गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने अभी अपनी दो ड्रेस निकाली है। जो गोपी ड्रेस है वो पता नहीं मेरी कहाँ गई। मेरे पास टू पेयर ऑफ ड्रेस है, मतलब दो जोड़ी है मेरे पास, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गई। शायद फरीदाबाद छोड़ आई मैं उनको। मेरे को बड़ा दुख हो रहा है सच्ची में। और मैंने भी ये दो निकाले हैं, जिस तरह भी निकाले हैं यार। ये है और एक ये है। अन्नू बोल रही है ये वाला पहन ले, तो मैं सोच रही हूँ यही वाला पहन लेती हूँ। मैंने 6 बजे कहा था कि 6 बजे निकलूंगा, तो बस 6 बजे नहीं वाले हैं, इसलिए मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। तो गाइस मैंने पहन ली अपनी ड्रेस, तो मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ। और मेरा मन तो काफ़ी ज़्यादा था गोपी ड्रेस पहनने का, बट है ही नहीं। मैचिंग के शूज़ और मैचिंग का टॉप मिल गया। वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना, मैचिंग मैचिंग। चलो दुकान पे चल के पापा से पूछती हूँ, क्योंकि सुबह से मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पा रही पापा से। इसमें अच्छा लग रहा हूँ ये। अच्छा तब लगता मैं जब ना मेरे पास गोपी ड्रेस होती। मेरा सच में बहुत मन है गोपी ड्रेस पहनने का। अच्छा मैं आपको एक सॉन्ग मतलब चला के बताती हूँ, मतलब बताना आप क्या बजा रही हूँ मैं। कुछ भी एक्स वाई जेड। बताओ गाइस कमेंट में बताओ कौन सा सॉन्ग है ये। और एक और बजाती हूँ मैं। गाइस उड़न खटोला चालू है, हमने पूछ लिया है और अब यहाँ से सीधा राइट में बोल रहे हैं, पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो गई। भाई सब वेदर एक नंबर हो रहा है। ये है स्टेयर्स वाला रास्ता, जो चढ़ के जाएंगे पैदल, और यहाँ से रोप वे। कितनी भयंकर भीड़ हो रही है, बहुत भयंकर। मैंने कही थी पापा से भीड़ पाएगी गाइस, बहुत भयंकर भीड़ हो रही है, बहुत भयंकर। देखो वो जा रहा उड़न खटोला। आहा ये रहा हमारा उड़न खटोला। यो ब्रो यो। टिकट काउंटर बंद हो गया। हेलो खोल दो। कोई आई नहीं आई हम है।
राधा रानी की कृपा से दोनों लड़कियों की वजह से टिकट मिल गई। अभी भीड़ इतनी लग रही, पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा, दर्शन तो ना हो पाएंगे। बस ये कह रहे हैं कि अगर नंबर आ भी गया तो तुम सिर्फ जा ही जा सकते हो, आ नहीं सकते हो। पर जो भी है, हम चले जाए, हमारा पहले से प्लान ही आता कि हमें जाना ही जाना है, आना नहीं है। सारे अपने उड़द खटोले, अपनी भीड़। पापा मजे आएंगे। पहली बार बैठे हुए अपना बंद होते होंगे गेट, वीडियो तो बना रही हूँ अभी, यहाँ बैठेंगे ना लोग। सपना पूरा हो गया, रोप में बैठने का नहीं रह जाते हैं, मगर 5 मिनट लेट हो जाते तो फिर टिकट ना मिलती। बस वो बैग वालों की वजह से आई थी, बैग वालों की। हाँ, वो लेट जाएगा ना बैग लेने के लिए। इतना लगा पापा हमें? लगा तो नहीं है, ना लग रहा गेट। ये ड्रीम टिकट है, ड्रीम टिकट। मुझे येलो को, ये येलो नहीं है, ये थोड़ा ग्रीनिश येलो है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। हाँ ये अच्छा लग रहा है। सब ऑरेंज कलर की आ गई है, बारहवीं गाड़ी है, बारहवीं रोड रोपे। गाइस अपना नंबर पहले आ गया, जाकर मम्मा के चले जाओ वहां पे। आप किस में बैठना है हमने? चलो वो राधा रानी की जय। सर को कोई बता। गाइस रॉक गेट चल चुका है और अभी गेट लगा नहीं है। ओके बाय बाय, लास्ट में तो सबसे पहले नंबर आ गया हमारा। पापा डर लग रहे हैं? नहीं अभी चल, लग गया गेट, लग गया गेट, लग गया। ये ना जो और होता है ना उसमें ये ट्रांसपेरेंट होता है, नीचे का व्यू देखो आराम से। चलो अच्छे में सारे तो भी नॉर्मल जूरी की तरह लगे। बाबा रे हम पकड़ने को भी है, हम बहुत ऊंचे पे आगे लाला, हम तो नीचे देख कर तो रुक क्यों गए? ये रुकते हैं यहाँ पे, अरे राम चेंज होता है ना। ऐसा लग रहा है किसी गुफा में बैठे हूँ। मार देखो कछु ना हो गए, हम छंद करना पड़ेगा। अभी ऐसी जब तक वो दूसरा नहीं आएगा तब तक ऐसे ही देंगे लौटते वक्त भी ऐसी है। तुमने देखा नहीं क्या अभी? ऐसी तो आ रही है तभी तो इतनी स्टॉप है, स्टॉप पे बंदर से मिलने का। ग्रीन वाला जा रहा है, चल रहा है, पता ही नहीं चली, बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा है, बहुत स्लो स्लो। मतलब बैठ गए हम तो, मेरा मंदिर आ गया आप तो। चालू कर दे वीडियो। श्री राम आ गया, आ गया, आ गया। कितने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं पापा वापिस जाने के लिए, बस लग रहे सारे जोगी ना बंद हो रहे 11 बजे तक भी। ओ
ओहो बना रही हूँ आज कितने सारे लोग खड़े हैं यार इधर चलना है पापा आराम से ऊंचा है ये वाला रास्ता है जिधर से गाड़ी हाँ इधर से पट खोलनी है ठीक है सही है आठ बज चुके हैं और अब लास्ट राइड जा रही है उड़न खटोला की और भीड़ बेकरार है और मैं चाहती थी पैदल चल के जाए हम लौट बट हमारे लक में था वापस जाना तो हम इससे बैठ के जा रहे हैं कहाँ तो टिकट बुक भी नहीं हो रही थी और कहाँ वापस लौट के भी जा रहे हैं है पापा हमारी गाड़ी आ गई वेलकम टू लोगो वाओ हम तीनों ही बैठेंगे तो मजे आ जाएंगे नहीं हम दोनों इसमें आ जा रहे हैं आप लोग बैठो आ जाओ स्पीड बढ़ गई बहुत अब डर ना लग रहा है ना जब रुको ना जाते समय तब डर लगो तुम्हें लगो डर ना लगो रुका था ना ऐसा लगा था क्यों रुका है डर लगता है श्री जी हम कृपा बिना तो बोलते वृंदावन में प्रवेश नहीं है यहाँ तो आना दूर की बात उड़ेंगे उतरेंगे चढ़ेंगे फोटो वीडियो बना राधे राधे रानी की जय परसाने वाली गड्ढा है नीचे चलो आ जाओ आई नहीं रहा अंधेरा बहुत हो रहा वो बीच में से रुके हुए वो दिखा रही है गाइज अब हम असली पप्पू ढाबा पे आ चुके हैं जो बिल्कुल असली पप्पू का ढाबा है इसलिए इसका नाम असली पप्पू ढाबा है तो ये है हमारा असली पप्पू ढाबा हमारे आने पे बज रहा है ढोल बच्चों की एक गाड़ी तो अच्छा है यहाँ पर ना वो क्या बोलते उसको नाम भूल गई यार यहीं पर ही वीडियो बनाने आते हैं स्नेहा गोविंद और काफी पॉपुलर लोग हैं वो लोग पहले मेरा ही खाना आया है पाव भाजी दिस इज माय पाव भाजी गाइस हमने खाना खा लिया है लेकिन कोई बिल लेकर नहीं आ रहा है तो हम ऐसे निकल जाएंगे अगर 2 मिनट ऐसे ही रहा तो हम ऐसे निकल जाएंगे
ये जो भैया है ना काउंटर पे खड़े हैं, इनसे कही थी किसी और का भी ले आए, पर लाए थे सस्ता, हमने खाया है महंगा। हमने पाव भाजी, डोसा, मिस्सी रोटी, सादा रोटी, मक्की दाल, पता नहीं क्या क्या खाया है, और ये 500 रुपये का बिल लिया है, जबकि हमारा 600-700 रुपये का बिल हो रहा है। साइड में किसी का बर्थडे है, दिखाती हूँ मैं आपको। भैया मिल गई थी, इस साइड किसी का बर्थडे है। खर्चा था 700 का। मखनी दाल ऐड करना भूल गई पापा की, इसमें केवल मसाला डोसा 180, मस्का पाव 170, तंदूरी रोटी 22 रुपए की, और मिस्सी रोटी 40 रुपए की। एक मिस्सी रोटी 40 की थी, अरे राम, वो किसी ने नहीं खाई। लो खाई थी, इतना मन नहीं था खाने का उसका। और इन सबका टोटल बटर रोटी, तंदूरी रोटी 22 रुपए की, तो मतलब एक है, हाँ एक 22 की है, तो टोटल टोटल 44 की, 44 दो खाई है ना इसलिए, और टोटल अमाउंट होता है 434 का, और बाकी GST वगैरह लगा के 456 कर दिया इन्होंने। तो गाइस आपको ब्लॉग कैसा अच्छा लगा, कैसा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।